अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच मेरे स्टाइल में, जिसकी रेसिपी ये है। हम डाल दो 2 चम्मच तेल, बड़ी प्याज कटी हुई, इसको सौते करेंगे फास्ट आंच पे। इसी में हम डालेंगे शिमला मिर्ची कटी हुई, 1 बड़ी शिमला मिर्ची। ये मैंने चिकन को मैंने उबाल के शेड करके रख ली हूँ। अभी ये हम इसमें डालेंगे। ये मैंने चिकन में मैंने नमक डाल के उबाली थी, इसलिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको सौते करके बस इसको उतार लेंगे गैस से। और हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेयोनीज है, 1 चम्मच सॉस है, टमाटर केचप है, ये मिलाएंगे। और ये है चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच बड़ा, 1 चम्मच लाल मिर्ची, और ये है मिक्स हर्ब्स, ये डालेंगे। और ये है चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच। इसको डाल के हम मिलाएंगे, फिर हम इसके सैंडविच बनाएंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो शिमला मिर्ची सबका कलर बदल जाएगा। हम इसको ठंडा करेंगे और इसमें हम चीज़ डालेंगे बाद में, थोड़ा ठंडा होने के बाद। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप किए। मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, जल्दी से बन जाता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बताइए कि आपको मेरी डिश कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में। बस ये मैं चीज़ इसमें घस के डाली, जो सी चीज़ आपके पास हो अगर डालना है तो आप डालिए, नहीं तो मत डालिए। मैं बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ। व्यूअर्स, ये आप ऐसे इस पर रखिए, ये देखो अभी इसमें रखा। आप इस बना के रख सकते हैं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप इसको टोस्ट करके आप उनको दे सकते हैं। आप टोस्टर में कर सकते हैं, मैं ग्रिल पैन में कर रही हूँ। ये एक चीज़ का स्लाइस मैं इसमें रख रही हूँ, फिर हम इसके ऊपर रखेंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड ली हूँ, आप चाहे तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं, बच्चों को हेल्दी देना चाहिए। ग्रिल पैन पे मैंने थोड़ा घी डाली हूँ, देसी घी। हम इसको इस पर रखेंगे, थोड़ा हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी डिज़ाइन आ जाए, ताकि इसका लुक अच्छा दिखे। इसको पलट दिया और हम फिर दबाएंगे हाथों से, एकदम अच्छा सा लुक आ गया। फिर आप चाहे तो इसको तवे पे स्लो आंच पे रख सकते हैं। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे चिकन सैंडविच बनके रेडी हो गए हैं। अब आप ये देखिए, ये मैंने ग्रिल पैन में ही बनाई हूँ और इसके साथ मैंने बनाई हूँ एक डिप, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी है ये, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम टेस्टी। आप देख सकते हैं इसका लुक। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू।